हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं आपको अपनी हाइट को इंक्रीज करने के लिए कुछ सिंपल एक्सरसाइज बताऊंगा जिनको करके आप अपनी हाइट को बढ़ा सकते हैं। और जिन लोगों को ऐसा लगता है कि उनकी हाइट आइडियल हाइट से कम है तो वो लोग भी इन एक्सरसाइज को कर सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो बच्चे आगे चलकर डिफेंस में जाना चाहते हैं और उनको ऐसा लगता है कि उनकी हाइट कम है तो वो बच्चे भी इन एक्सरसाइज को आज ही से स्टार्ट करेंगे तो उन्हें जरूर फायदा होगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। बट स्टार्ट करने के पहले आप में से जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन बटन को भी दबाना ना भूलें ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको टाइम टाइम पर मिलते रहे। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से लंबे पैर करके बैठ जाना है और अपने हाथों को अब ऊपर की तरफ उठाना है और स्ट्रेच करते हुए दोनों हाथों से अंगूठों को टच करने की कोशिश करना है, अपने अंगूठों को ग्रिप करना और जितना हो सके आपको गर्दन को नीचे की तरफ झुकाना है। आपको अपने बैक थाई से लेकर अपनी पीठ पर स्ट्रेच फील होगा। इसे 10 सेकंड होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इसे अगेन इस तरीके से अपने हाथों को जितना हो सके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और स्ट्रेच करते हुए अब आपको अपने अंगूठों को या पंजों को इस तरीके से ग्रिप करना है। इसको फिर से स्ट्रेच करेंगे, 10 सेकंड इसे होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इसे आप 5 से 10 बार डेली रिपीट करें। नेक्स्ट एक्सरसाइज है बैक एक्सटेंशन, जिसे हम कोबरा पोज भी बोलते हैं। इसमें आपको इस तरीके से अपने स्पाइन को स्ट्रेच करना है, गर्दन को ऊपर की तरफ करेंगे, इसे जितना हो सके स्ट्रेच करेंगे, 10 सेकंड इसे होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इसे भी आपको 5 to 10 times रिपीट करना है इस तरीके से स्ट्रेच करते हुए। इससे आपका पूरा स्पाइन स्ट्रेच होगा और आपको अपनी हाइट को इंक्रीज करने में काफी फायदा मिलेगा। नेक्स्ट एक्सरसाइज में अब हम ताड़ासन करेंगे। ताड़ासन करने के लिए आपको इस तरीके से खड़े हो जाना है और अब आपको अपने हाथों को दोनों को क्रॉस करना है और अपने हाथों को इस तरीके से उल्टा घुमा लेंगे और इसे अब स्ट्रेच करते हुए साथ में आपको पंजों को उठाते हुए ऊपर की तरफ जाना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से आप स्ट्रेच करेंगे, आपको अपनी पूरी बॉडी में स्ट्रेच फील होगा। इसे 5 to 10 seconds होल्ड करने की कोशिश करेंगे और फिर इसी तरीके से हाथ को घुमाते हुए पंजों को नीचे रखेंगे। अगेन आप देख सकते हैं आपको साथ में अपने हाथों को इस तरीके से घुमाना है और पंजों को साथ में ऊपर उठाते हुए लेकर जाना है। इसे आप 5 to 10 seconds होल्ड करेंगे, देन रिलैक्स। इसे आप डेली 5 से 10 बार रिपीट करेंगे। इस एक्सरसाइज में भी आपको ताड़ासन पोज लेना है बट इस एक्सरसाइज में आपको नॉर्मली वॉक भी करना है। इसमें आप नॉर्मली अपने हाथों को क्रॉस करके इस तरीके से घुमाते हुए अपने पंजों को ऊपर उठाएंगे और अपने हाथों को जितना हो सके ऊपर की तरफ स्ट्रेच करेंगे और अब आपको इसी पोजिशन में इस तरीके से वॉक करना है। आप इस तरीके से वॉक कर सकते हैं स्ट्रेच पोजिशन में जितना हो सके। इस पोजिशन को मेंटेन करते हुए आपको डेली 100 से 200 कदम वॉक करनी है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से अपने दोनों हाथों को ऊपर की तरफ उठाना है, जितना हो सके आप स्ट्रेच करेंगे और अब आपको अपने दोनों हाथों को आगे की तरफ झुकाते हुए अपने अंगूठों को टच करने की कोशिश करना है और आप जितना हो सके अपने हाथों को नीचे स्ट्रेच करेंगे, जितना हो सके स्ट्रेच करेंगे। आपको अपना बैक ऑफ थाई और काफ में काफ़ी स्ट्रेच फील होगा। इसे 10 सेकंड होल्ड करना है और इसी पोजिशन को मेंटेन करते हुए आपको इस तरीके से पूरा बैक एक्सटेंशन करना है जितना हो सके। अगेन आप इस तरीके से देख सकते हैं दोनों हाथों को आपको पूरा ऊपर की तरफ लेकर जाना है और अब आपको अपने अंगूठों को इस तरीके से टच करना है जितना हो सके और इसी तरीके से उठाते हुए आपको पूरे हाथों को ऊपर लेकर जाना है और इस तरीके से बैक एक्सटेंशन करना है। इसे भी आपको 5 to 10 रिपीटेशन डेली करना है। नेक्स्ट एक्सरसाइज में आप नॉर्मली अपने हाथों को इस तरीके से प्लेस कर लेंगे और अब आपको अपने पैरों को जितना हो सके ऊपर उठाना है, गर्दन को जितना हो सके नीचे लेकर जाना है और अब इस पोजीशन को मेंटेन करते हुए आपको बैक एक्सटेंशन करना है इस तरीके से। इसमें आपको अपनी बॉडी को फ्लोर पर टच नहीं होने देना और इस तरीके से अगेन जितना हो सके आप पीछे लेकर जाएंगे और अपने दोनों पैरों को फ्लोर पर भी टच करने की कोशिश करना है। आपको अपने काफ में स्ट्रेच फील होगा और अगेन इसको इस तरीके से बैक एक्सटेंशन करेंगे। तो इसे भी आप 5 to 10 times रिपीट कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स कुछ सिंपल एक्सरसाइज जिनको नियमित दिनचर्या में शामिल करने पे आपको काफी फायदा होगा। इसके साथ ही साथ डाइट और न्यूट्रिशन का भी जरूर ख्याल रखें। उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी आपको समझ में आई होगी। ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, इसी तरीके से अपना प्यार बनाए रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।